हेलो जी, सबको हमारे नमस्ते, राम राम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इस नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं तो जैसे आपको दिख ही रही हूँ, और इधर लगी हुई है शगुन। तो भाई हम भी सब ठीक ठाक है। शगुन के पापा गए हुए हैं ड्यूटी पर, और अजय हमें चकमा देकर भाग गया घेर में। कल तो बड़े उस तयू का था कि एक दिन में सारे टूट पड़े, हो जाएगी सफाई। अरे सुबह सुबह में चकमा दे के भाग गया देर में, आएगा जब पकड़ेंगे उसने। देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट ले रही इस कमरे का, पर ऑन एक शर्त पर। इसकी एक शर्त है, वह माननी पड़ेगी हमने। वो तो या बाद में बता देगी व्लॉग में। ये बतिया लग रही है साफ सफाई में, देखो। क्या मम्मी? अब बैरी हो रही है भाई, कान में ईयरबड दे रखे है इसने। बस मैंने पोज कर दी थी ना, कुछ ना मैंने वो कुछ मैं शगुन लाग रही साफ सफाई में उससे पहले। मगर इसकी एक शर्त है, उस शर्त के आधार पर काम कर रही है ये अभी। ओ। वरना शगुन का शगुन और काम ना। अरे बाबा ना, तो भाई सुबह का टाइम है, हम भी कर लेते हैं अपना काम। मैं भी अपनी खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि तो इतना भी इतने भी सुबह नहीं है, 10 बज चुके हैं। तो बने रही हमारे साथ व्लॉग में एंड तक। तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हो अच्छा लगता है, हमारे व्यूवर भी कुल मिलाकर ठीक ठाक जितने हमारे सब्सक्राइबर उसके हिसाब से। तो जो नए देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि भाई हम मेहनत बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि व्लॉगिंग इतनी ईजी है, इतनी आसान है। पूरा परिवार लगा रहता है हमारा कि भाई कुछ दिखाएं आपको, कुछ दिखाएं। तो बस यही है, आपसे यही उम्मीद है कि भाई आप हमारे ब्लॉग्स को देखें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि पसंद ना आने का तो भाई हमारी तरफ से कोई सवाल ही नहीं है। और सबकी अपनी अपनी अलग पसंद होती है। त्योहारों का टाइम है भाई, हम भी लगे रहते हैं काम में, और फिर बीच में ब्लॉगिंग भी साथ साथ करनी पड़ती है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें, और कमेंट करके बताएं कि आप कैसे हो, हमारे ब्लॉग कैसे हैं, इतना और जो आपको लगे ठीक। हाय हेलो राम राम नमस्ते, और जो भी आपके भी आप जिस देवी देवता वो मानते हो, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जो भी है। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक। फेंक दे सारी, ये सारे एक्सपायर। देखा क्या किया, ये विटामिन है ना शायद। हेलो दोस्तों, सबको मेरी प्यार भरी राम राम। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, और आज है बृहस्पतिवार का दिन। तो बृहस्पतिवार दिन को हम जाते हैं बाबा रामदेव की जोत लगाने, तो अभी वहीं की तैयारी कर रहे हैं। और आज मैं और अजय जा रहे हैं दोनों जोत लगाने, क्योंकि इनको टाइम है नहीं। ये लगे हुए हैं घर की साफ सफाई में, और ये देखिए कितना बुरा हाल मचा हुआ है, ये देखिए। और ये हमारे यहाँ पे एक मैकेनिक आया हुआ है, तोड़ दी। तो ये देखिए गाइस, एक एक मैकेनिक ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, अभी दूसरा मैकेनिक आया उसको ठीक कराने। ये शगुन को देखिए, शगुन कभी भी कोई काम अकेले नहीं करती, उसको एक हेल्पर चाहिए। तो अपनी मम्मी को पकड़ लिया,
तो गाइस दिवाली के चक्कर में घर का हो रहा है बुरा हाल, और थोड़ा हमारा वैसे भी पेंट वगैरह कुछ ख़राब हो रहा है। अभी मैंने सोची थी कराने के लिए, तो इस टाइम पे दिवाली पर जो लेबर है वो मिल नहीं रही है, तो अभी दिवाली के बाद देखते हैं फिर कुछ कराएंगे कलर वगैरह, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो चुका है। करीबन 4-5 साल पहले कराया था। तो गाइस बस चलते हैं मंदिर में, और आज आपको दिखाते हैं अपने वहाँ का मंदिर बहुत अच्छे से। दिखाया तो कई बार पहले भी, लेकिन आज दिखाएंगे आपको बहुत अच्छे से, और बने रहना हमारे साथ इस व्लॉग में। ये देखिए क्या झगड़ा हो गया। सगुन हो गई क्या आपकी अलमारी रेडी? अच्छा, अभी एक फ्लोर और है इसके ऊपर। 5 फ्लोर की है क्या ये? अच्छा, तो ये सगुन ने अपनी अलमारी कर दी है रेडी गाइस, और अभी हम चलते हैं। इधर लगा मैं चला जी चलो।
तो ये गाइस हमने भी पूजा पाठ कर ली है बाबा रामदेव की और अभी चलते हैं हम घर पे। तो दोस्तों मैं बाबा रामदेव की जोत लगा के घर पे आ गया हूँ और ये देखिए दोस्तों इनकी साफ सफाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ भाई क्या चल रहा है, अभी भी साफ सफाई? शायद सुबह तक ही साफ सफाई में लगे हुए हो। देख लो गाइस मेरे को बोलते हैं एक दिन में पूरा साफ सफाई की और ये अपना सो रहे थे आराम से। ये भी दम है बता नहीं कि आप और किसी ने बताई सही करता हूं। सुनना सेटिंग में सही ना सामान ना सही है, ये साफ सफाई और सेटअप भी तुम्हारा ठीक ही है। कुछ दिन कुछ दिन तो गाइस ये लगे हुए हैं यहाँ पे अपनी साफ सफाई और अभी हम चलते हैं ऊपर छत पे थोड़ी देर घूमते हैं वहीं। अभी बाहर जाने का तो टाइम रहा नहीं क्योंकि यहाँ अंधेरा होने वाला है और अभी लाइट देते हैं जला और ऊपर चलते हैं छत पे थोड़ी देर वहीं पे घूमेंगे। आपको दिखाते हैं अपने ऊपर के यहाँ की छत चारों तरफ का नज़ारा, तो देखना बने रहना मेरे साथ। गाइस पौधे सूखे हुए हैं तो थोड़ा पौधों में डाल देते हैं पानी। जो मिर्ची के पेड़ लगाए थे और आम का पेड़ था तो वो थोड़ा सूखे हुए हैं। अभी मौसम थोड़ा चेंजिंग हो रहा है तो इसमें लगता है ऊपर से पानी है लेकिन वो सूखी हुई है मिर्ची, तो अभी पानी डाल देते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखिए दोस्तों कितनी अच्छी मिर्चें लगी हुई हैं, प्योर अपने घर की ऑर्गेनिक मिर्ची काफ़ी लगी हैं और पुदीना भी गया है ऊपर वाला सूख और ये नया पुदीना जमने लग गया। ये देखिए छोटा छोटा अभी और पुदीना जमने लग गया। बच्चों ने ये क्या गुब्बारा इसमें फेंक दिया था। थोड़ा ऊपर से डाल देते हैं पानी, ये और अच्छा हो जाएगा। तो गाइस इसमें पानी डाल दिया अभी। तो गाइस अभी आ गया मैं अब सबने सबसे ऊपर वाली छत पे अपनी पे। और ये देखिए गाइस चारों तरफ का मेरे यहाँ का नजारा। अब शाम हो गई है, मेरे यहाँ पे ज़्यादा हरियाली ज़्यादा है, हरा भरा ग्रीनरी अच्छी है। फिर भी और जगह से तो फिर भी ठीक ही है, ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते और इतना ज़्यादा भी नहीं, मीडियम है फिर भी ठीक है। और ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये मेरे गांव में अब बिल्डिंग्स बनने लग गई हैं। ये इधर बना हुआ है लोकनायकपुरम, ये DDA ने बनाया, पहले बनाई थी उन पॉकेट से, ये काफ़ी बड़ी बनाई है। अब वाले जो फ्लैट है ये 18 मंजिल के बने हुए हैं। धीरे धीरे गांव डेवलप। और ये देखिए दोस्तों इधर भी काफ़ी हरा भरा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा, ये देखिए दोस्तों जूम करके देखते हैं अगर हुआ तो। ये देखिए दोस्तों वहां पे एक मोर बैठा है, इधर भी बैठे हुए हैं। ये देखिए। और दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट
ने पटाखे बंद कर दिए दिवाली के उसमें, और फिर भी पटाखे जल रहे हैं और हल्का फुल्का पोल्यूशन देखिए आप, इधर भी देखिए हल्का फुल्का पोल्यूशन हुआ है, ये देखिए पोल्यूशन होने लग गया पटाखों का। गाइस मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने जब पटाखे बैन किए तो हमें पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए, और मोस्टली ये तो सबके लिए अच्छा होता है, पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो जिनको अस्थमा या सांस की बीमारी है उनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्लीज़ पटाखे ना छोड़े। मेरी आप सब से यही विनती है हाथ जोड़ के, इस दिवाली पर पटाखे ना छोड़े, अगर पटाखे छोड़ रहे हो तो ग्रीन पटाखे जो आते हैं वो नॉन पोल्यूशन होते हैं उनको आप छोड़ सकते हो, वो फिर भी बेटर है। और ये हम बड़ों की समझ होती है, अगर बड़े समझेंगे तो बच्चे भी समझेंगे, तो बड़ों को ये होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाएं और आप भी समझें, पटाखे ना जलाएं। पटाखे जलाने से इतना पोल्यूशन होता है हार्ट अस्थमा वालों को, और सबसे ज़्यादा मोस्टली प्रॉब्लम होती है पक्षियों को, पटाखों से हार्ट अटैक भी हो जाता है और वो घबराते भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है, अब की दिवाली पे पटाखे ना जलाएं और अपनी दिवाली ऐसे ही मनाएं। सबको एडवांस में मेरी ओर से शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी मैं बाबा रामदेव के जोत लगा के आया था और अब लगा देते हैं अपने घर पे, और ये देख लीजिए मेरे इधर उधर का नज़ारा एक बार फिर। ये देखिए पक्षी कैसे उड़ रहे हैं झुंड में, ये देखिए पक्षी कैसे खुले आसमान में उड़ रहे हैं। तो गाइस अभी मैं शाम दिन छिप गया है तो अपने यहाँ भी जोत लगा देता हूँ और चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हो गई है काफी शाम, ये भी अपना खाना बनाने कर रही है तैयारी, और कुछ दिनों से इसको फुर्सत है नहीं क्योंकि ये है साफ सफाई में बहुत बिजी, और इसीलिए थोड़ा हम अच्छे से वो लोग को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। त्योहार है भाई, त्योहार के लिए सब कुछ करना पड़ता है, अच्छे से सेलिब्रेट भी करना चाहिए और अच्छे से अपने घर की साफ सफाई भी रखनी चाहिए ताकि घर का माहौल अच्छा बना रहे। ये तो है। तो गाइज अभी जैसे दिवाली खत्म होगी उसके बाद हम आपको अच्छे से और व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, क्यों सब अभी हम बहुत बिजी चल रहे हैं दिवाली की साफ सफाई में, और इनके साथ में एग्जाम भी चल रहे हैं एग्जाम की वजह से। तो दोस्तों आज का व्लॉग बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों बाय बाय टाटा।